गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज का जो न्यू जॉब ऑफर कर रहा है आपको, वो ICAR से रिकमेंड आया है। वो टोटली वेटनरी के जॉब है, मल्टी पोस्ट है, मतलब वैरायटी टाइप पोस्ट मिलेगा आपको। तो इसमें अप्लाई करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं और टोटली ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो इसको अप्लाई करने के जो प्रोसीड्योर है और क्वालिफिकेशन का रहेगा और टोटली जो पोस्ट है, कितना सारे पोस्ट है, वो पूरा इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, अप्लाई करने का प्रोसीड्योर, मतलब फुल स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करने का प्रोसीड्योर दिखाऊंगा। तो आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, मिस मत करिए। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली जेन्युइन बेसिक जॉब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल में बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली NIVEDI से जो रिकमेंड है, ICAR से रिकमेंड किया गया है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी डिपार्टमेंट में, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट वेटनरी डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल रहा है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन से आपको जॉब मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो आपको यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए टोटल जो वैकेंसीज है वो दिया गया नहीं है, और कौन सा पोस्ट है वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखिए रिसर्च एसोसिएट का है, जिसमें ग्रेड 3 का पोस्ट है, और जूनियर रिसर्च फेलो का है, और लैब असिस्टेंट का है, प्रोजेक्ट एसोसिएट का है, फील्ड एसोसिएट असिस्टेंट का है, और यहाँ पे देखिए सीनियर रिसर्च फेलो के है, और यंग प्रोफेशनल 2 के है। तो कुल मिलाकर जो पोस्ट है, बहुत सारे वैकेंसीज है और बहुत सारे पोस्ट भी है। तो इसमें ज़रूर अप्लाई करिए, उससे पहले आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, क्योंकि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें कौन सा पोस्ट एलिजिबल हो पाएंगे उसको पहले आपको देखना होगा। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स में देख लीजिए। और यहाँ पे परमानेंट जॉब होगा गवर्नमेंट सेक्टर में, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट देखिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है। यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट के लिए 40 से 45 ईयर तक, और जूनियर रिसर्च के लिए 40 से 45, लैब असिस्टेंट के लिए भी 40 से 25 ईयर तक। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए जो लैब असिस्टेंट है 40 से 25 ईयर्स है, मतलब एक्चुअली 25 से 40 ईयर्स होगा, तो गलती से चेंज हो गया, तो 25 से 40 ईयर्स तक होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 30 से 35, और फील्ड असिस्टेंट के लिए आपको 30 से 35, जूनियर रिसर्च के लिए 30 से 35, और यंगर प्रोफेशनल के लिए 21 से 45। ठीक है, और सिलेक्शन जो प्रोसीडर रहेगा टोटली ऑनलाइन इंटरव्यू होगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और इंटरव्यू का डेट भी यहाँ पे बताया गया, देखिए 23rd से मतलब जून से 24th जून तक एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, वो भी 10 बजे 30 मिनट्स में। और यहाँ पे देखिए आपको जो मीटिंग होगा, मतलब कॉन्फ्रेंस आपको इंटरव्यू होगा, उसमें आप क्वालिफाइड कर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होना एकदम पक्का है। ठीक है, तो आप जरूर अप्लाई करिए, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से आप सिलेक्शन हो पाएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देखना है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने से पहले आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, और सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बाद आपको सैलरी पैकेज डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, रिसर्च एसोसिएट के लिए आपको देखिए PhD होना चाहिए, वो भी सब्जेक्ट देखिए लाइफ साइंस वेटनरी साइंस, इसमें आपको PhD होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। स्पेशलाइजेशन जो होगा उसके लिए देखिए यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, बोटनोलॉजी और पब्लिक हेल्थ, इसमें आपको क्वालिफाइड होना होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके साथ आपको देखिए डिग्री में 3 ईयर्स आपको रिसर्च का डिग्री होना चाहिए, MBSC का और MPharma का, IME का, MTech का। और जूनियर रिसर्च फेलो के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बायोलॉजिकल साइंस और लाइफ साइंस एंड वेटनरी डिपार्टमेंट में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट डिग्री आपको होना चाहिए तभी अप्लाई कर पाएंगे। उसके साथ वेटनरी साइंस, एनिमल साइंस, इसमें आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। और लैब असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस एंड डिग्री में, मिनिमम 60% मार्क्स देकर आपको पास आउट होना है। और प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए आपको देखिए मास्टर डिग्री होना चाहिए तभी अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर साइंस मतलब इंजीनियरिंग होना चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस में, और प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए आपको यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, उसके साथ वेटनरी साइंस भी आपको क्वालिफाइड करना होगा। फील्ड एसोसिएट के लिए अभी देखिए सॉरी फील्ड असिस्टेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री पास आउट होना है, वो भी साइंस टीम से, और आप कंप्यूटर इंजीनियर पास आउट हो तो कंप्यूटर साइंस पास आउट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें साइंस रिसर्च फेलो के लिए देखिए पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए, वो भी लाइफ साइंस और बोटनी
यहाँ पे बोटनी के लिए, और उसके साथ आपको 4 के 5 ईयर आपको डिग्री पास भी होना चाहिए। सीनियर रिसर्च के लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, और यंग प्रोफेशनल के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से। ठीक है, एक्चुअली साइंस स्ट्रीम के लिए ये जॉब ऑफर कर रहा है, और आर्ट्स स्ट्रीम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और बाकी डिटेल्स भी आपको पूरा मिल जाएगा, पूरा पोस्ट आपको क्वालिफाइड से मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यंगर प्रोफेशनल के लिए भी एमएससी पास आउट होना चाहिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, और एमएससी लाइफ साइंस मास्टर डिग्री होना चाहिए। तो मतलब आप कर चुके तो कोई भी एक कर चुके तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसके साथ आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन भी पास आउट होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए तभी अप्लाई कर पाएंगे। उसके साथ यहाँ पे देखिए थोड़ा एक्सपीरियंस मांगा गया है, 1 से 2 ईयर्स आपका वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है तभी अप्लाई कर पाएंगे। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है, तो आप एजुकेशन डिटेल्स पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। क्योंकि आप अप्लाई कर देंगे, आपका क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो आप सिलेक्शन नहीं होंगे इंटरव्यू के लिए, तो आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिए उसके बाद अप्लाई करिए। तो एप्लीकेशन का प्रोसीड्यूर शुरू हो चुका है, तो जल्द से जल्द अप्लाई करिए, क्योंकि 18 जून के पहले आपको अप्लाई करना होगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, एप्लीकेशन का प्रोसीड्यूर सिंपल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले नोटिफिकेशन में क्लिक करना, तो इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको आपको पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, सैलरी कितना है, पूरा डिटेल्स में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको डिटेल्स को आपको देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ऑफलाइन फॉर्म दिया है, ऑफलाइन ऑनलाइन भी फॉर्म दिया है। तो आप ऑनलाइन फॉर्म को आप सबमिट कर दीजिए, ऑफलाइन फॉर्म को आप भेज सकते हैं। उसके लिए आपको भेजने का एड्रेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इस एड्रेस में आपको भेजना होगा। तो आप फॉर्म को भी भेज दीजिए, उसके साथ आपको अप्लाई भी करना है ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक कर दीजिए, इस पे जो मैं ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स में देखना होगा। ठीक है, तो पूरे डिटेल्स में आप एक बार देख लीजिए फॉर्म को, और उसके बाद अप्लाई करिए। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है, आपका नाम, उसके बाद आपका जेंडर, और उसके बाद आपका अदर्स डिटेल्स, मतलब पोस्ट सेल्स नंबर, मतलब कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए उसके नंबर यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका अप्लाइड फॉर पोस्ट ऑफ, मतलब कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, और एक CV यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। सिंपल स्टेप है, आप खूब मोबाइल से भी कर सकते हैं, आपका पास CV है तो। तो मैं हर बार यही कहता हूँ, आपका पास CV नहीं है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको CV भेज दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड प्रोफेशनल CV आपको फॉर्मेट भेजूँगा। ठीक है, तो मुझे आपका ईमेल एड्रेस भेज देना, कमेंट बॉक्स में आपका ईमेल एड्रेस लिख देना, मैं आपको उस ईमेल एड्रेस में सेंड कर दूँगा। तो आई होप जो आपका पूरा एड्रेस आपको समझ में आ गया। कुछ भी आपको जानकारी नहीं मिला तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको जरूर कमेंट में रिप्लाई दूँगा। और जाने से पहले यही कहूँगा, मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ मिलने वाला है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जेन्युइन डेली बेसिस जॉब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।